कक्षा 9th क्षितिज पद्य भाग पाठ 3 रसखान के सवैये हैं। देखिए, रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और व्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ व्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, अर्थात व्यर्थ के शब्दों का समावेश नहीं है। आगे देखिए, यहाँ संकलित अर्थात लिए हुए पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण हुआ है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं, अर्थात अपने आप को गोपियां कृष्ण में बना लेना चाहती हैं। देखिए, चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। देखिए सवैये, पहला सवैया है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो रसखान है वो श्री कृष्ण के समीप पाने की इच्छा रखते हैं और उसने बताया कि मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो व्रज गोकुल गांव के गौरन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब गिडारन। रसखान कवि कहते हैं श्री कृष्ण अपने आराध्य का सामीप्य पाने के लिए वो हर स्थिति में ऐसा करना चाहते हैं और कहते हैं कि मनुष्य हो तो, कि यदि मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले, वही रसखानी बसो व्रज गोकुल गांव के गौरन, कि यदि मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मेरी यही इच्छा है, मेरी यही प्रबल इच्छा है कि मैं व्रज में गोकुल गांव में गौरन ग्वालों के मध्य या ग्वाल बनकर ही निवास करूं। मैं यदि मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के मध्य, व्रज में जो गोकुल गांव है उसके मध्य में गांव के गौरन अर्थात ग्वाल बनकर ही वहां मैं निवास करूं, यही मेरी इच्छा है। आगे देखिए, जो पशु हो तो, यदि मुझे पशु योनि में जन्म मिले या मुझे पशु बनने का सौभाग्य प्राप्त हो अगले जन्म में, तो कहा बस मेरो, इसमें मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी चरो नित नंदी की धेनु मजारन, फिर भी मैं नंद बाबा की धेनुओं के बीच, मजारन अर्थात मध्य में, बीच में नंद बाबा की जो धेनु है, गाय है, उनके बीच में ही मैं चरना पसंद करूँ, उनके बीच में ही मैं निवास करने की मेरी इच्छा है, उनके बीच में ही मैं रहना चाहता हूँ। आगे देखो, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, पुरंदर यहाँ पर इंद्र भगवान इंद्र के लिए आया है,
देखो पाहन हो तो, यदि मुझे पाहन अर्थात पत्थर, यदि मुझे पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वही गिर गो, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, जो कियो जिसको किया हरिछत्र अर्थात श्री कृष्ण ने उसे जिसे छत्र रूप में धारण किया था पुरंदर अर्थात श्री इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए। तात्पर्य है श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से व्रज की रक्षार्थ या व्रज की रक्षा के लिए जो जिस पहाड़ को जिस गिरी को छत्र की तरह अपने हाथ में उठाया था, तो मैं मेरी इच्छा है कि अगर मैं पहन बनूं पत्थर बनूं तो मैं उसी गिरी अर्थात उसी पहाड़ का बनूं। आगे देखो, जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग अर्थात पक्षी, जो मुझे पक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो अगर अगले जन्म में तो बसेरो करो, तो मैं वहीं बसेरा करूँ। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कालिंदी अर्थात यमुना नदी, कूल कूल से तात्पर्य है किनारा या तट, कदम्ब की डारण कदम्ब के पेड़ की डालों पर। तो देखिए, जो खग हो तो, यदि मुझे खग अर्थात पक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो बसेरो करो, तो मैं मेरी इच्छा है कि मैं बसेरा करूं या अपना निवास बनाऊं कालिंदी कूल अर्थात यमुना नदी के किनारे या तट पर, कदम की डालन कदम की डालियों पर ही अपना बसेरा करूं या बसेरा बनाऊं अपना निवास स्थान बनाऊं। तात्पर्य इसका है कि जो रसखान है वो हर योनि में अर्थात हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण की कृष्ण के समीप पाना चाहते हैं, उनकी व्रजभूमि में वहीं उसके आसपास ही निवास करना चाहते हैं, यही उनकी हार्दिक इच्छा है।